उत्तर प्रदेश में लगातार मंदिरों और धार्मिक स्थलों का कायाकल्प किया जा रहा है। इसी कड़ी में वाराणसी को काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह मिर्जापुर जनपद स्थित प्रसिद्ध माँ विंध्यवासिनी मंदिर का गर्भगृह भी स्वर्ण मंडित होगा। वहीं पहली बार मंदिर के गर्भगृह की दीवार पर सोने की परत लगाई जाएगी। इसके लिए माँ के एक भक्त ने करोड़ रुपए का सोना दान किया है। दरअसल भदोही के रघुरामपुर के रहने वाले माँ के भक्त और मुंबई के व्यापारी संजय सिंह ने जिला प्रशासन को मंदिर के गर्भगृह को सोने से मंडित कराने का प्रस्ताव दिया है, जिस पर जिला प्रशासन ने अपनी सहमति जताई है और जल्द ही मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने का काम भी शुरू हो जाएगा। वहीं इसको लेकर मुंबई से आए व्यापारी ने आज जिला कलेक्ट्रेट में डीएम के साथ मीटिंग की, जिसके बाद मंदिर पहुंचे पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने गर्भगृह के अंदर जिस जगह पर सोना जड़ा जाएगा वहां का नाप जोखा किया। इस दौरान व्यापारी का कहना है कि एक माह के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए ताकि माँ के दरबार को एक और भव्य स्वरूप मिल सके। माँ विंध्यवासिनी धाम में माँ के श्रद्धालु द्वारा माँ का जो गर्भगृह है उसको स्वर्ण मंदित कराने के लिए एक इच्छा व्यक्त की गई थी, जिसको लेकर आज विंध्य विकास परिषद की बैठक हुई है और जो गर्भगृह के रिनोवेशन का जो प्रोजेक्ट जिस संस्था के द्वारा भेजा गया है वो हमारे सिटी मजिस्ट्रेट और विंध्य विकास परिषद के सदस्य जो है वहां जाकर सारी प्रक्रिया को निश्चित करेंगे और ऐसा है कि इसको लगभग एक महीने के अंदर जो श्रद्धालु हैं उनका कहना है कि एक से लेकर डेढ़ माह के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाए ताकि माँ के दरबार को एक और भव्य स्वरूप मिल सके। इसको लेकर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि इसके लिए कुल 3.5 से 4 किलो सोने का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही 50 किलो चांदी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 4 करोड़ रुपए है। लागत कितनी आएगी और कहाँ कहाँ होना है इसमें? लगभग 3.5 से 4 किलो सोना और 40 से 50 किलो तक चांदी और लगभग 3.5 से 4 करोड़ तक का जो बजट है वो श्रद्धालु महोदय के द्वारा दिया गया है और उसके द्वारा उनमें कार्य कराया जाए। मैम कहाँ पे लगेगा ये सोना, कहाँ? ये जो माँ का विग्रह स्वरूप जहाँ स्थापित है उसके आस पास जो उनका दरबार है उसको बनाया जाए। कब से मैम शुरू हो रहा है इसका? इसको प्रक्रिया को शीघ्र ही हम कोशिश करते हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर कार्य। वहीं माँ विंध्यवासिनी मंदिर के गर्भगृह में स्वर्ण लगाने की खबर के बाद से ही भक्तों में एक अलग ही खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्तों का कहना है कि गर्भगृह में स्वर्ण लग जाने से माँ के दरबार को एक और भव्य स्वरूप मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रजलाल मौर्य की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।